जो कल हमारे साथ हुआ है, ठीक है, एक लड़की है और उनकी टीम वगैरह आई, लड़के आए चार, दो तीन लड़कियां थी, उन्होंने हमारी बाइकें वीके तोड़ी, ठीक है, हमारा कैमरा गुमरा छीना, हमारी वीडियो बनाने की उन्होंने कोशिश की। मैं आपको सारा सीन बता देता हूँ गाइस, क्या है, हमें वो डीफेम करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इनको मारेंगे, इनकी वीडियो वगैरह बनाकर डालेंगे तो सही रहेगा। देखो गाइस, सीन हमारे साथ ये हुआ, हमें देख लो ऐसे कितना कितने सारे निशान दिए लड़के उसके भाइयों ने मारा। इन्होंने गाड़ी से ही बाइक में बियर की बोतल मारी इसके इसके हाथ में बजा, ठीक है। उसके बाद हम रुके। वो क्या हुआ? ओ भाई 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 ओ भाई भाई एक मिनट। गाइस फिलहाल आप लोगों ने जो क्लिप देखी वो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप है गाइस, आपको पूरी क्लिप मैं दिखाऊंगा। लिटरली गाइस ये क्लिप देखने के बाद बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट टाइप का लग रहा, फील हो रहा, बिकॉज हम लोग यार इंडिया में ये क्या चल रहा, और इंडिया में नहीं खासकर जो जम्मू में राइडर्स हैं जो मोटो व्लॉगर्स हैं उनके साथ बहुत ही गलत वाला सीन हो रहा है गाइस, बहुत ही मतलब बुरा उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। टाइम के साथ मीडिया हो या पुलिस हो या फिर लोग हो, मतलब बहुत ज्यादा गंदा वाला उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सो आप लोग को मैं पूरी क्लिप शेयर करूंगा, एंड ये टाइम है गाइस आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है, एंड मैं सारी चीजें आपको इनके बारे में बताऊंगा क्या है नहीं है। और बस यार मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट टाइप का फील हो रहा है ये सब क्लिप, इस टाइप का क्लिप देख करके। गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, जानू स्टंट्स, अर्जुन एक्स ऑक्स, राजा डीसी, आमिर शेख, आमिर माजिद, अलियान ब्लॉग्स, ये सारे नाम। वो आमिर माजिद, आप लोगों ने आमिर माजिद से रिलेटेड कुछ दिनों पहले न्यूज सुनी होगी, एंड उसके बाद जानू स्टंट्स, अर्जुन एक्स ब्लॉग्स जो हमारे अर्जुन भाई है उनके ऊपर, उनके फ्रेंड जो है प्रतीक्षाकांत उनके ऊपर है, दानिक राजपूत में भी उनका वही नाम है, सो वो भी उनके फ्रेंड है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, एंड इंसेन ब्लॉग्स करके एक है, सो उनके ऊपर अटैक हुआ है गाइस। एंड ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये लोग ऐसे बंदे हैं ना, ऐसे बंदे मतलब जम्मू के ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी वजह से जम्मू स्टेट का नाम मतलब पूरे इंडिया में जाना जाता है। ये सारा सीन जो भी चल रहा है ना, ये बहुत ही गलत वाला सीन चल रहा है, बहुत ही गंदा वाला सीन चल रहा है, एंड मैं बता नहीं सकता हूँ यार ये क्या देखना पड़ रहा है। मतलब मैं ये सब एज अ फैन नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इन लोगों को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, खासकर जानू स्टंट्स और अर्जुन एक्स ब्लॉग्स जो है और आमिर माजिद, ये ऐसे लोग हैं ना जिनको देख कर मतलब मैं इनका फ़ैन नहीं बोलूँगा, ये भाई है, और इनको देखकर इनसे इंस्पायर होकर गाइस मैंने मोटो ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना। मैं पहले से ऐसे सोच रहा था, बट मेरे को मतलब एक आइडिया नहीं था, और मतलब थोड़ा बहुत इनको देखकर हल्का सा इंस्पिरेशन मिला, एंड मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मैं मोटिवेट हुआ इनको देखकर, एंड मैंने भी अपना मोटो ब्लॉग स्टार्ट किया गाइस। ये लोग जो है ना, ये लोग बड़े क्रिएटर है, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जम्मू जेके जो है नाम ऊपर आ रहा था, और इनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम्स आई, इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, एंड मैं इनको अभी से नहीं, मेरा पुराना वाला चैनल था एक, फिर एक मेरा 10K का चैनल डिलीट हुआ, सो मेरा 10K वाला चैनल से भी सब्सक्राइब किया था, और जिस भी चैनल में अभी आप वीडियो देख रहे हो इससे भी सब्सक्राइब करके रखा गया, मेरा वो चैनल तो टर्मिनेट हो चुका है, वो वापस नहीं मिल रहा, एंड यही सारा सीन्स मुझे मालूम है यार, जब चैनल टर्मिनेट होता है तो कुछ लोग नए नए हो जाते हैं जो आपको डिफेम करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, बट यार ये हाथापाई ये सब अटैक वगैरह मेरे साथ नहीं हुआ, मैं झारखंड से हूँ, एंड जेके में जो है जानू भाई जो हमारे हैं जानू स्टंट्स उनके साथ हाथापाई किया गया गाइस, और बाइक्स वगैरह तोड़ी गई है, और मतलब रॉड्स वगैरह से मारने की कोशिश की गई है, आप लोग सारी क्लिप्स में देख लेना गाइस। और आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इन लोगों को कब से फॉलो कर रहा हूँ, सो जब इनका फर्स्ट वाला चैनल था, इनका भी एक 1 मिलियन मतलब टच होने वाला था, उससे पहले इनका चैनल एक टर्मिनेट हुआ जानू स्ट्रीम भाई का, और इनका मतलब 50K भी नहीं था, मतलब 40K के अराउंड में था, और अर्जुन भाई जो हमारे हैं उनके 10K के आसपास में सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम से, मतलब मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, इन लोगों का मोटो ब्लॉग्स जो है वो देख रहा हूँ। सो उस टाइम पे ना ही जासमिन थी इनके साथ, ना ही मतलब प्रतीक्षा जो अभी आप इनके साथ देख रहे हो, उनके आने से थोड़े से पहले से मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, इतने मतलब नीचे लेवल से इन लोगों ने स्टार्ट किया है अपना जो भी है, और आज इनके वजह से जम्मू में बड़े बड़े मतलब लोग आते हैं वहाँ पे, एंड जम्मू का नाम
बहुत जगहों में, मतलब मैं झारखंड से हूँ और मुझे मालूम है कि जम्मू में इतने सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं, एंड झारखंड के मतलब जम्मू के मोटो ब्लॉगर्स की वजह से जम्मू का जो इकनॉमी है वो बहुत ही ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, बट वहाँ के लोग जो है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा इन पे अटैक कर रहे हैं, इनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस आप लोग क्लिप देख लो। ओए क्या हुआ? ओ भाई 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 ओ भाई भाई एक मिनट भाई, ओ मेरे भाई रुक जा, ओ भाई एक मिनट भाई मेरे आराम से, ओ एक मिनट यार राजे एक मिनट, भाई इनके ये जो लड़के आप लोग को दिख रहे हैं जो हमारे जानू भाई पे अटैक कर रहे हैं, इनके साथ कैरेक्टरलेस लड़कियां भी थी, और देखो ये एक जो कैरेक्टरलेस लड़की है ये भी जानू भाई की ZX10R जो है जो 21 लाख की बाइक है उसकी मतलब मिरर्स वगैरह और भी इधर उधर मतलब हाथ पैर मारती है। ओए ओए एंड इसके बाद जो इनकी फ्रेंड है प्रतीक्षा वो इनको समझाने को कोशिश करती है, सो वो ये जो कैरेक्टरलेस लड़की है ये उनसे भी मतलब हाथापाई करने लगती है, एंड ये लोग प्रतीक्षा को भी जो एक गर्ल है ऑलरेडी उसके साथ भी मतलब कुछ मिस टच करते हैं, कुछ गलत बिहेव करते हैं, गंदी गालियां वगैरह देते हैं, तो यही सारा सीन देख रहे होगा। मतलब वीडियो क्रिएटर की यार क्या इज्जत होती है यार, हमारे झारखंड में कोई अगर वीडियो क्रिएटर ऐसा मोटो ब्लॉगर वगैरह हल्का सा भी मतलब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उनको पेपर में यार फोटो छपवाते हैं, उनको मतलब बहुत इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज उनके वजह से हमारा जो शहर है, हमारा स्टेट, हमारा गली मोहल्ला, इसका मतलब नाम ऊंचा होता है। बट देखो यार जम्मू का क्या सीन चल रहा है। ओए नहीं करो मैम। तो भाई लोग देखो इस पापा की शेरनी को ये आप सुन रहे हो, ये अर्जुन भाई है और ये इसको समझा रहे, बट ये पापा की शेरनी सुअर बनने के चक्कर में मतलब जबरदस्ती मतलब फेम पाने के लिए यार इनको डिफेम करके और देख रहे हो किस तरह से मतलब हाथापाई वगैरह ये सब कर रही है, यही सारा सीन है यार। मतलब समझ नहीं आ रहा यार ये लोग मतलब किस तरह के इंसान है, ये मतलब बोला था ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उस तरह से जम्मू के कुछ लोग हैं। मुझे बोलते हुए अफसोस हो रहा है कि यार इसको देखने के बाद मतलब इंसानियत से आपको भरोसा उठ जाएगा। भाई लोग आप लोग भी समझ सकते हो वीडियो क्रिएटर क्या वैल्यूज होती है, ये लोग ऐसे लोग है ना जो मतलब इनके फैंस जब मिलते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं भाई मैं आपका बड़ा फैन हूँ, मैं आपका बिग फैन हूँ, ये वो, ये लोग सामने से मुंह पे मना करते हैं भाई फैन कोई नहीं है, सब भाई है मेरे, ऐसे वैसा मतलब ये लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने फैंस को, बट उनमें से कुछ हेटर्स निकल कर ऐसे सुअर ऐसे चूतिए ये लोग पैदा हो गए। नहीं करो यार, नहीं करो, क्यों लड़ रही हो यार, नहीं करो, नहीं भाई ले जाओ यार प्लीज, नहीं करो, बाइक तोड़ी तो नहीं ना, ये बट्टे बुट्टे मार रहे हैं। इनकी वजह से जम्मू स्टेट का नाम मतलब पूरे इंडिया में जाना जाता है, वरना इनसे पहले आप लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर को किस नाम से जाना जाता था, गोली बारूद ये वो, और मैं देखो डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी स्टेट को, सब अपने अपने जगह पर ठीक है, बट गाइस आप लोग भी जानते हैं रियलिटी में JK को मतलब किस नाम से लोग पूरे इंडिया में जानते हैं, बट ये लोग जो मैं जिन लोगों के नाम लिया ना, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, खासकर ये जानू स्टंट्स और अर्जुन एक्स ब्लॉग्स जो है इनको मैं अभी से बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, एंड गाइस इन लोगों की वजह से मतलब जम्मू का इकोनॉमी ऊपर उठ रहा है, मतलब जम्मू में अच्छे अच्छे बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, कावासाकी का शोरूम नहीं था, सो इतने मोटो ब्लॉगर्स इनसे इंस्पायर हो गए, इन लोगों से इतने इंस्पायर हुए इतने मोटो ब्लॉगर, जिसके वजह से वहाँ पे जम्मू में एक कावासाकी का शोरूम जो है वो ओपन हुआ, एंड इस तरह से बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं जम्मू के इकोनॉमी को, एंड ये JK के जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको समझना चाहिए, वहाँ की पुलिस को समझना चाहिए कि मोटो ब्लॉगर्स की वजह से उनके स्टेट को कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड उनके स्टेट में लोग आ रहे हैं घूमने देखने मिलने, और बहुत सारी चीज़ मतलब मार्केट में भी फायदा हो रहा है इसकी वजह से, बट यहाँ के जो लोग हैं JK के सो वो लोग अलग ही सीन कर रहे गाइस, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, बट अब जो सीन हुआ गाइस ये सब देखकर आप लोग भी मतलब सोचो कि यार इंसानियत मर चुका है पूरी तरह से। गाइस उन्होंने फेम के चक्कर में मुझे ऐसे किया, मेरे साथ किया, उसके बाद क्या उस जिस लड़की ने मेरे साथ मेरे पास ऐसे किया उस पे पहले भी केसेस वगैरह दर्ज हैं, FIR वो 6 महीने जेल में रह चुकी है,
कुछ स्मगलिंग वगैरह चिट्टे वगैरह के केस में कुछ ऐसा। बाकी आप वीडियो में देख लेना यार उन्होंने कैसे हमें क्या किया, हमारे साथ क्यों मारा, पूरी ए टू जेड वीडियो क्लिप्स हमारे पास। वो तो शुक्र है गाइज हम व्लॉगर्स है, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे पास वीडियो क्लिप्स थी। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता भाई तो उसके साथ क्या होना था भाई, लड़कियों जब केस डाल देती है आपको पता ही है लड़कों पर कितना भारी पड़ता है। और उन्होंने देखो यार हमारे साथ क्या किया गाइज, 15 लड़के थे, इन्होंने हमें किरसियां चलाई, हमारी चेन ले गए और पर्स में 2 लाख था, पर्स में वो भी निकाल के ले गए। एक सरदार था, ऑडी था, जानू स्टंट्स, प्रतीक्षा और अर्जुन और 4-5 और लड़के थे। ये देखो ना, ये देखो मेरे नाक के बोन भी टूट गया। इनके पास दो थी, एक ऑडी थी व्हाइट कलर की। सबसे बड़ी बात है ये किसी MLA के बेटे नहीं है, किसी कोई ऐसी गस्टेड पोस्ट पे नहीं है कि इनके पास वेपन किसने लॉ किए इनको। शरेआम पूरा गुंडागर्दी वाला राज यहाँ से निकल के क्रिचे निकाल रहे, रॉड निकाल रहे हैं, मतलब क्यों कैसे किसने। सो गाइस देखा क्या बोल रहे हैं, हम ऑडी में इनके पास आए हैं, 2 लाख रुपए लूट रहे भाई, 50 लाख की गाड़ी लेकर हम इनके 2 लाख रुपए लेने आए हैं। तो गाइस देखा कैसे इल्जाम लगाए उन्होंने हम पे, फेक एलिगेशन। और ये पुलिस स्टेशन में मान भी गए भाई, हमने चल भाई हमारे कोई पैसे पूछे नहीं गए। इनका एक फोन गुम है, मुझे नहीं पता भाई वो कहाँ पे गया क्या नहीं। इन्होंने मेरे मुंह पर बोला कि जानू भाई आपके पास फोन नहीं है, हमें पता है। उसके बाद मैंने इनको ये तक बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आपका फोन गिर गया ना कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको नया फोन ले दूंगा कोई टेंशन नहीं है। पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी उधर थाने में ऐसी कोई बहस होगी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ठीक है। सो गाइज उसके बाद इन्होंने बोला हमने हथियार निकाले गाइज, ये हथियार हम बाइक पे भाई, मैं फोन नहीं कैरी करता हूँ साथ में कि यार फोन है पॉकेट में, मेरे को पेंट में तंग होती है। कहते ये हथियार लेके घूम रहे थे बाइक पे, देखा कितने फेक एलिगेशंस लगाए। तो गाइज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है भाई, देखो मैंने आपको पता आज तक अभी किसी का गलत नहीं किया, जितनी मेरी YouTube फैमिली है मैंने अपनी मेहनत से बहुत चीजें बनाई, ठीक है, आप सबके सामने है सारी चीजें। और भाई इनका करेक्टर भी सबको पता है और मेरा भी पता है भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आप सबको ही पूरा पता है यार कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं गाइस। बाकी इनके ये करने से मेरे करेक्टर पे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे को पता है, उल्टा इनका सच्चाई सामने आ गई है ये लोगों के साथ क्या करते हैं। पहले ये नॉर्मल बंदों के साथ करते थे जो मतलब कि यूट्यूब वगैरह इन सब चीजों में नहीं थे, तो वो इनको पैसे वगैरह दे देते थे तो ये शांत हो जाते थे। तो अब भाई इन्होंने यूट्यूबर से पंगा लिया, तो मैं तो भाई पूरा यूट्यूब पे एक एक चीज डालूंगा जो इन्होंने मेरे साथ की है गाइज। तो गाइज आपकी सपोर्ट की जरूरत है, देखो यार क्या कर रहे हैं भाई, हमारे साथ बाइकें तोड़ी इन्होंने, हमारी 2 बाइकें तोड़ी, एक दानी की बाइकें टूटी है, एक अर्जुन भाई की बाइक टूटी है, ठीक है, मेरी बाइक को लाते मारी इन्होंने, मेरी बाइक टूटी है, 3 बाइकें टूटी है, एक ऑडी A6 का इन्होंने पिछला वाला शीशा भी तोड़ दिया गाइस। सो गाइस इसके बाद ना क्या हुआ यार, जब इन्होंने ये सब किया हम पुलिस स्टेशन गए, इन्होंने हमें भाई पुलिस स्टेशन के अंदर तक मारने की कोशिश की है, हम वहां से भी भागे भाई पुलिस स्टेशन से। ये वाली क्लिप भी देखो गाइस, अंदर 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 आ अंदर, अभी फोन करता हूं, पार पार पार, देखो सब भाग कर निकल गए। सो गाइस देखा इन्होंने क्या किया हमारे साथ भाई, और उसके बाद मीडिया में बोल रहे हैं भाई हमने इनके साथ ऐसा किया वैसे किया। सो गाइस सच का साथ देना यार, सपोर्ट करना अपने भाई को, मैं इन चीजों में हुई नहीं यार लड़ाइयों लड़ाइयों में ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो गाइस आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, अगर मेरे पास कैमरा नहीं ना होता मैंने बहुत गलत फंस जाना था गाइस। सो गाइस देख सकते हो यही थे हमारे जम्मू के मोटो व्लॉगर्स, एक तरह से बोल सकते हो इनका सेलिब्रिटी फिगर है, जम्मू के सेलिब्रिटी है ये लोग, बट देख सकते हो इनके साथ पब्लिक कैसे बिहेव करती है। एंड सेलिब्रिटी होकर यार इन्हें मतलब एक जैसे मुजरिम होता है ना जो कोई क्राइम करता है, उस टाइप से देख सकते हो इन लोग को किधर किधर से भागना पड़ता है। एंड क्या ही बोल सकते यार, मतलब ये सब देख करना वर्ड्स नहीं मेरे पास, कितना बुरा फील हो रहा, बट ये सारी चीज़ें जो भी है ना ये सही नहीं है। सो जो गलत कर रहा उनको सज़ा मिलनी चाहिए गाइस। एंड जिनके साथ जानू भाई के साथ जो भी मतलब गलत बिहेव हुआ है और जिन मोटो ब्लॉगर्स के साथ ऐसा सा गलत बिहेव हो रहा उनको जस्टिस मिलना चाहिए। आद्रा 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 अभी फोन करता हूं, पार पार पार, करे देखो हम नहीं जा हम नहीं जा सब भाग सब निकल निकल समय आवा समय आवा इधर से बात थोड़ी देख रहे हो।